बर्ड्स। इस अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे बर्ड्स। ए बैट कैन फ्लाई बट इट इज नॉट अ बर्ड। क्या आप जानते हैं बैट उड़ता तो है, BAT बैट, जिसका मीनिंग क्या होता है, चमगादड़, लेकिन यह एक बर्ड नहीं है, इट इज नॉट अ बर्ड। बर्ड्स आर ब्यूटीफुल फेदर्ड एनिमल्स। बर्ड्स क्या है, बहुत ही खूबसूरत एनिमल्स हैं जिनके शरीर पर फेदर पाए जाते हैं, फेदर्ड एनिमल्स, है ना। कैसे एनिमल्स हैं, ब्यूटीफुल फेदर्ड एनिमल्स। आवर वर्ल्ड हैज ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स बट ऑल ऑफ देम हैव सम कॉमन फीचर्स। हमारे इस दुनिया में बर्ड्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी पाई जाती है, बहुत विभिन्नताएं पाई जाती है, लेकिन सभी बर्ड्स में कॉमन फीचर भी कुछ होते हैं। ऑल द बर्ड्स हैव वन बीक। प्रत्येक बर्ड्स के पास, जितनी भी तरह की बर्ड्स हैं, सबको सिर्फ एक ही बीक होती हैव वन बीक, टू आईज, टू विंग्स, टू लेग्स, विथ क्लॉज ऑन ईच फुट। और प्रत्येक फुट पे क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं, जिसे कि कहते हैं पंजा। एंड देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ फेदर्स। और इसका बॉडी जो है वो फेदर से ढका हुआ रहता है। द फेदर्स आर लाइट एंड फ्लफी। फेदर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट और फ्लफी होते हैं, है ना, हल्के होंगे और फ्लफी होंगे। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ बर्ड। बर्ड का बॉडी स्ट्रक्चर, द बर्ड्स हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी हैविंग हेड, विंग्स, टेल एंड लेग्स। बर्ड्स के जो बॉडी होते हैं वो बहुत सुसज्जित होते हैं, स्ट्रीम लाइन होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी, जिनके पास हेड भी है, विंग्स भी है, टेल भी है और लेग्स भी है। दिस इज हेड, है ना, एंड दिस इज टेल, दिस इज विंग्स एंड दिस इज लेग्स। दे हैव फेदर्स ऑल ओवर देयर बॉडी। और इनके पूरे शरीर पर फेदर्स पाए जाते हैं। द बर्ड्स हेड हैज अ बीक विथ अ होल एज नॉस्ट्रिल। और बर्ड्स के हेड पे क्या पाया जाता है, बीक, ये बीक है, और इसी बीक पर एक होल रहेगा, छिद्र रहता है, जिसे कि कहते हैं नॉस्ट्रिल, जो क्या है, नॉस्ट्रिल रहता है। बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो एंड लाइट। और इनके जो बोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉलो, खोखला होता है अंदर से, एंड लाइट, और हल्का होता है, इसीलिए हल्का रहने के चलते इनका बोन्स जो होता है वो क्या रहता है, हॉलो रहता है। बर्ड्स यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू होल्ड एंड ईट देयर फूड। बर्ड्स जो है वो अपने इस क्लॉज का, ये जो पैर में जो क्लॉज है, इसका उपयोग करते हैं और बीक्स का उपयोग करते हैं, अपने इस बीक्स का उपयोग करते हैं। इनके माउथ को क्या कहते हैं, बीक, चोच, है ना, बीक मीन्स क्या होता है, चोच। और बीक एंड क्लॉज की मदद से ये फूड को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं एंड इट, और खाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बर्ड। ए बर्ड हैज विंग्स। और बर्ड को क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, इट यूजेस देम टू फ्लाई। और बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं और इसी विंग्स की मदद से ये फ्लाई करते हैं। ए बर्ड्स बोट शेप्ड बॉडी। और बर्ड्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है, बोट शेप्ड बॉडी, बोर्ड की, बोट, नाव की तरह का इसका शेप होता है। हेल्प्स इट टू मूव फास्ट थ्रू द एयर, ताकि यह एयर में फास्टली मूव कर सके। ए बर्ड हैज स्ट्रॉन्ग आर्म एंड चेस्ट मसल्स। बर्ड के पास स्ट्रॉन्ग आर्म, बर्ड के जो आर्म होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, एंड चेस्ट मसल्स, और इनके मसल्स के जो चेस्ट होते हैं वो भी मजबूत होते हैं। इट फ्लैप्स इट्स विंग्स विथ
दीज, जिसकी मदद से ये अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और वो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। इट फ्लैप्स इट्स विंग्स। ए बर्ड इज वेरी लाइट, और बर्ड जो होता है वो बहुत हल्का होता है। इट हैज एयर इन इट्स बॉडी, इसके बॉडी में एयर भरा रहता है। एंड हैज वेरी लाइट बोन्स, और इनके बोन्स भी बहुत हल्के होते हैं। बर्ड्स हैव डिफरेंट शेप्ड फीट, और अलग अलग तरह के बर्ड्स का फीट का शेप भी अलग अलग होता है। दे हैव थ्री टोज which point to the front and a shorter toe which points backwards. इनके पास जो तीन toes होते हैं, three toes जो होते हैं, वो क्या होते हैं? Point to the front, आगे की तरफ होते हैं, और एक छोटा toe जो होता है, वो आपका पीछे की तरफ होता है। Birds also use their toes to balance. Birds अपने toes को balance करने के लिए भी use करते हैं। होल्ड ऑन द थिंग्स, थिंग्स को पकड़ने में। वॉक ऑन ब्रांचेज, ब्रांचेज पर चलने में। क्लिम चढ़ने में। स्विम तैरने में। एंड वेड इन वाटर। बर्ड्स हैव डिफरेंट शेप्ड बीक्स। दे डोंट हैव टीथ। बर्ड्स के बिग के शेप्स अलग अलग होते हैं डिफरेंट बर्ड्स में, और इनके पास टीथ नहीं होते हैं। दे डोंट हैव टीथ, बर्ड्स को टीथ नहीं होते हैं। दे यूज देयर बिग्स टू कट ओपन टीयर एंड क्रश देयर फूड। ये अपने बिग्स के मदद से ही, चोंच के मदद से ही अपने फूड को कट करते हैं, ओपन करते हैं, टीयर करते हैं और क्रश करते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स। बर्ड्स जो है वो नेस्ट बनाते हैं। घोंसला कौन बनाता है? बर्ड्स। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू देयर यंग वंस। अंडे देने के लिए बर्ड्स क्या करते हैं? नेस्ट बनाते हैं, और जिसमें कि उनके प्रोवाइडिंग शेल्टर टू देयर यंग वंस, जिसमें कि उनके बच्चे का पालन पोषण होता है। सम नेस्ट्स आर मेड अप हाई इन ट्रीज, कुछ नेस्ट जो है वो ट्री पर बहुत ऊंचाई में बनाए जाते हैं। अदर्स आर मेड ऑन द ग्राउंड, कुछ ग्राउंड पर बनाते हैं, और इन बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स में बनाते हैं। टेल ऑफ ए बर्ड हेल्प इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग, और बर्ड का जो टेल है, जो पूंछ होता है, वो उसे डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है उड़ने के दौरान। फेदर्स, अब हम लोग देखते हैं फेदर्स। फेदर्स आर द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ अ बर्ड। फेदर्स जो है वो मोस्ट यूनिक फीचर है बर्ड का। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, कीप द बॉडी वार्म एंड गिव इट शेप। ये क्या करते हैं? बॉडी को फ्लाई करने में, बॉडी को वार्म करने में, और इसे शेप देने में मदद करता है कौन? फेदर्स। फेदर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फेदर्स तीन प्रकार के होते हैं। फ्लाइट फेदर्स नंबर वन, नंबर टू बॉडी फेदर्स, एंड नंबर थ्री डाउन फेदर्स। फेदर्स कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। नंबर वन फ्लाइट फेदर्स, नंबर टू बॉडी फेदर्स, एंड नंबर थ्री डाउन फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स, सबसे पहले फ्लाइट फेदर्स का स्टडी करते हैं। The long flat feathers attached to the wing and the tail helps the birds to fly. लंबे लंबे जो फेदर होते हैं, जो फ्लैट होते हैं और विंग के साथ अटैच्ड होते हैं और टेल के साथ अटैच्ड होते हैं और बर्ड्स को फ्लाई में मदद जो करते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स। वैसे फेदर्स को फ्लाइट फेदर्स कहते हैं। दे ऑल्सो हेल्प बर्ड्स टू लिफ्ट देमसेल्व्स एंड बैलेंस फॉर फ्लाइट। ये इन्हें ऊपर उठने में और फ्लाइट के दौरान बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। कौन फेदर्स?
फ्लाइट फेदर्स, है ना, फ्लाइट फेदर्स फ्लाई करने में मदद करते हैं। नंबर टू देखते हैं, बॉडी फेदर्स। बॉडी फेदर्स कवर द बॉडी, बॉडी फेदर्स क्या करता है, इसके बॉडी को कवर करता है, विंग्स एंड द टेल ऑफ द बर्ड। बॉडी फेदर्स जो है इसके बॉडी को कवर करता है, विंग और टेल ऑफ बर्ड को। दे आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट, ये मजबूत होते हैं लेकिन हल्के होते हैं वेट में। दे गिव अ स्मूथ शेप टू द बर्ड्स बॉडी, ये बर्ड्स के बॉडी को एक स्मूथ शेप देता है। बर्ड्स के बॉडी को स्मूथ शेप कौन देता है, बॉडी फेदर। थर्ड है डाउन फेदर, तीसरा प्रकार का जो फेदर जो बर्ड्स में पाया जाता है उसे कहते हैं डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी, डाउन फेदर्स जो है वह बॉडी के नज़दीक में ही होता है, बॉडी के पास होता है, अंडर नीथ बॉडी फेदर्स, बॉडी फेदर्स के नीचे होता है। दीज आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट फेदर्स, ये छोटे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, एंड हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म, और ये बॉडी को वार्म करने में, वार्म रखता है, गर्म रखता है, बर्ड को वार्म रखने में, गर्म रखने में मदद कौन करता है, डाउन फेदर्स। बीक्स ऑफ बर्ड्स, अब हम लोग देखते हैं बीक्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की चोंच, है ना। बर्ड्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड, अलग और बाकी जो लिविंग थिंग्स है ठीक उसी तरह बर्ड्स को भी फूड की आवश्यकता है। बर्ड्स डोंट हैव टीथ टू ईट देयर फूड, और बर्ड्स के पास टीथ नहीं होता है, दांत नहीं होता है फूड को चबाने के लिए, काटने के लिए। दे हैव बीक्स, उनके पास बीक्स होते हैं, एंड क्लॉज, और पैर में क्लॉज होते हैं, टू गेट फूड एंड ईट इट, फूड को प्राप्त करने के लिए और उसे खाने के लिए, ईट करने के लिए इनके पास क्या होता है, बीक्स एंड क्लॉज, चोंच और पंजे। बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू गेट फूड, बर्ड्स अपने बीक्स को यूज करते हैं फूड को प्राप्त करने में। बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर कलेक्टिंग मटेरियल्स टू मेक देयर नेस्ट, और बर्ड्स अपने बीक्स का उपयोग करते हैं मटेरियल्स कलेक्ट करने में, नेस्ट बनाने के लिए, घोंसले बनाने के लिए जो इन्हें मटेरियल्स चाहिए वो बीक्स की मदद से ही, चोंच की मदद से ही करते हैं। मोस्ट बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू स्मूथ देयर फेदर्स, दिस इज कॉल्ड प्रीनिंग, और बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो अपने फेदर्स को स्मूथ करने में भी स्मूथ करते हैं, अपने फेदर्स को स्मूथ करते हैं, चिकना करते हैं अपने बीक्स की मदद से, और इसे कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड प्रीनिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रीनिंग। बर्ड्स ऑल्सो यूज देयर बीक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, और शत्रुओं से जब झगड़ा होता है तो उससे बचाव के लिए भी ये अपने बीक्स का ही प्रयोग करते हैं और चोंच मारकर लड़ाई करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, अब देखते हैं बर्ड्स के डिफरेंट काइंड्स। नंबर वन, शार्प स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक्स, कुछ बीक्स हैं चिड़ियाएं ऐसी होती है जिनकी बीक्स जो होती है शार्प स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक्स, जैसे वल्चर। हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट बीक्स होते हैं स्पैरो को। लॉन्ग स्लेंडर एंड कर्व्ड बीक्स होते हैं एग्रेट को, एग्रेट को। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स होते हैं स्वैलो को। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स होते हैं बीक ऑफ सनबर्ड, सनबर्ड के पास लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स होते हैं। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स होते हैं डक का। तो ये 6 तरह के बीक्स होते हैं बर्ड्स को, डिफरेंट बर्ड्स को, जितने भी बर्ड्स हैं उनको हम लोग बीक्स के आधार पर 6 भाग में विभाजित किए हैं, ठीक है, उनके नेचर के अनुसार। चलिए देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर बर्ड्स का है कोई चीज तो वो उसका बीक्स,
नंबर वन शार्प स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक्स, शार्प स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक्स होते हैं। सम बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स बाय विच दे कैच द प्रे एंड टीयर ऑफ द फ्लेश। इन कुछ बीक बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बीक जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत मजबूत, शार्प और हुक्ड होते हैं, थोड़ा नुकीला होता है, कर्व्ड होता है। कैसा होता है? कर्व्ड होता है, इस तरह से, है ना। दे ऑल्सो इट अ स्मॉल बर्ड्स, ये छोटे, अपने से छोटे बर्ड्स एंड एनिमल्स को भी खाते हैं, लाइक स्नेक्स को भी पकड़ के मार के खा जाते हैं, रॉडेंट्स एंड डक्स को भी ये खाते हैं, स्नेक्स, रॉडेंट्स, रैट्स, डक्स को ये खा जाते हैं, अपने से छोटे को। अभी इसमें कौन कौन आते हैं? ईगल, ईगल है आपका, वल्चर, ओल, हॉक। ये जो बर्ड है इनके बिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक्स। और ये ईट क्या करते हैं? स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक स्नेक्स, रोडेंट्स एंड डक्स। सेकंड देखिए, हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट बीक्स, ये कैसे हैं? हार्ड रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे और शॉर्ट बीक्स रहेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ बर्ड्स दिखाए गए हैं, इन सभी बर्ड्स का देखिए बीक को, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है और शॉर्ट है। सम बर्ड्स हैव हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट बीक्स बिकॉज दे इट ग्रेन्स, क्योंकि ये ग्रेन्स खाते हैं। ये क्या खाने वाले बर्ड्स हैं? ग्रेन्स खाने वाले बर्ड्स हैं। दीज टाइप ऑफ बिक्स इनेबल दीज बर्ड्स टू पिकअप एंड क्रश द ग्रेन्स दे इट। ये ऐसे स्पेशल तरह के बिक्स हैं जिसकी मदद से ये आसानी से ग्रेन्स को पिक करते हैं और उसे क्रश करके इट कर जाते हैं, है ना। तो इसकी एग्जाम्पल है कौन? पीगन, स्पैरो, पीकॉक और फिंच। दीज बर्ड्स बिक्स आर हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट बीक्स एंड दे ईट ग्रेन्स। और ये खाते क्या हैं? ग्रेन्स कौन कौन? पीगन, स्पैरो, पीकॉक एंड फिंच। थर्ड है लॉन्ग सिलेंडर एंड कर्ड बीक्स। अब इनका बीक्स देखिए, लंबा है, लॉन्ग है, सिलेंडर है, है ना, और कर्व्ड है, थोड़ा सा कर्व्ड है। सम बर्ड्स इट इंसेक्ट्स हिडन इन द होल्स, कुछ बर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो कि होल में रहने वाले छुपे हुए इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। क्या, किसे ईट करते हैं? इट इंसेक्ट्स हिडन इन द होल्स, होल्स में, छेद में जा करके ये अपने चोंच को डालते हैं और डाल करके वहां से छुपे हुए इंसेक्ट्स को निकाल करके ये खा जाते हैं, है ना। इसलिए इनका स्पेशल तरह का बीक्स है, लॉन्ग सिलेंडर एंड कर्व्ड बीक्स। दे हैव लॉन्ग सिलेंडर एंड कर्व्ड बीक्स फॉर पुलिंग आउट इंसेक्ट्स, ताकि वो इंसेक्ट्स को बाहर निकाल सकें फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेज, उनके छुपे हुए जगहों से, और उसे खा सके। इसके एग्जांपल हैं हॉप, कैटल एंड इग्रेट। तीन बर्ड्स है जो कि जिनके लॉन्ग सिलेंडर एंड कर्व्ड बीक्स हैं, हॉप, कैटल एंड इग्रेट। फोर्थ, ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स, ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स। द ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स ऑफ ए सैलो इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड। ये जो सैलो एक चिड़िया है, बर्ड है, उसका जो बीक्स होता है वो अंदर की तरफ से स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। एंड द सैलो मूव्स राउंड एंड राउंड, और उनका जो सैलो है जो वो राउंड और राउंड मूव करता है इन द एयर विथ इट्स बीक ओपन। जब ये बीक ओपन करता है तो उसके साथ इनका सैलो भी मूव करता है, ठीक है, और राउंड एंड राउंड। और वो टिनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स गेट स्टक, और उसमें टिनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स क्या करते हैं? स्टक कर जाते हैं, सट जाते हैं इन इट्स बीक, जिसकी मदद से इसके बीक में टिनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स स्टक कर जाते हैं और वह उसे ग्रहण कर लेता है। तो इसका एग्जांपल है
फेलो बर्ड, स्वेलो। फिफ्थ है लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स। अब देखिए लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स, सम बर्ड्स हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स फॉर पुलिंग आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड एंड ईट देम अप। और कुछ बीक्स ऐसे हैं जिनका जो बीक्स होता है वो लंबा होता है ना, लॉन्ग होता है और पॉइंटेड होता है लेकिन कर्व्ड नहीं होता है ना, जैसे बीक ऑफ सनबर्ड, सनबर्ड का बीक, और बीक ऑफ ह्यूमिंग बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड का बीक, है ना। सन बर्ड एंड ह्यूमिंग बर्ड का बीक कैसा होता है? लॉन्ग एंड पॉइंटेड, नॉट कर्व्ड। सिक्स्थ है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। डक्स एंड स्पून बिल्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। डक्स और स्पून बिल्स के जो बीक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रॉड एंड फ्लैट, चौड़ा और चपटा। दे हैव इन फाइंडिंग फूड, दे हेल्प इन फाइंडिंग फूड व्हेन डिगिंग अप द मडी बॉटम ऑफ पॉन्ड और स्ट्रीम। जब वो तालाब में, है ना, तालाब में या पोखर में जो मर्ड होते हैं उसके अंदर में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको निकालने में इनके बिक्स जो है मदद करते हैं। तो बिक्स ऑफ डक, आप देखिए डक का जो बिक्स होता है वो कैसा होता है? ब्रॉड एंड फ्लैट, और स्पून बिल्स का।